हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको सिखा रही हूँ स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड। किसका? 144 का। तो इधर लिखें 144। अब देखें हम क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयरिंग करते हैं, राइट साइड से पेयर बना लिया। ये अकेला है तो इसको अकेले को अंडरलाइन कर दें, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमने डिवाइड करना होता है, हमें पता चल जाए हमने पहले किसको सॉल्व करना है, इसको सिंगल डिजिट को करना है कि डबल को करना है। तो यहाँ सिंगल को करेंगे हम, ठीक है। और ये होता है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट करने का रूल, कि हम जो यहाँ पे नंबर लेते हैं वही सेम यहाँ पे लेके उनको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लूँ तो यहाँ भी 2 लेना होगा, 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 1 के नीचे 4 तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि 1 छोटा 4 बड़ा। तो हम यहाँ पे 1 ही ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब अकेला 4 नहीं उतारेंगे, ये पेयर बनाए तो पेयर इकट्ठे को नीचे उतारेंगे, 44 नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखें क्या है, 1 है, जो भी यहाँ पे नंबर होगा आपने हमेशा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 2। अब 2 के साथ मैं कौन सा ऐसा नंबर लूँ जो यहाँ भी वही लूँ और यहाँ भी वही लेने से उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 44 आ जाए। तो 2 के साथ अगर मैं 2 ही ले लूँ, यहाँ भी और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई 2 से करवाऊँ, तो देखें क्या आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब पूरा आ रहा है यहाँ भी 2 लेने से और यहाँ भी 2, और 22 2 ज़ा 44 आ गया। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 144 या स्क्वायर रूट 144 किसके इक्वल है, क्वेश्चन के, क्वेश्चन मतलब 12 के। हम ये कहेंगे कि अंडर रूट या स्क्वायर रूट 144 इक्वल है 12 के। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।